क्या दादा, कभी भी तारीफ नहीं करते, हाय हेलो कुछ भी नहीं, हमेशा हैशटैग एंग्री। व्हाई? आज जो आने वाले ना, वो आपको डेफिनेटली नचा के रहेंगे, देखना आप। जो आने वाले हैं उनके इशारों पे पूरा हिंदुस्तान नाचता है। वेलकम वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। मेरा आज का ये आउटफिट देख के आप समझ गए होंगे कि इस ड्रामा कंपनी में आज क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे गेस्ट हैं वो इस फील्ड में महारत ही हैं, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं। ओके, हमारी सबसे पहले गेस्ट एस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर अहमद खान। दूसरी गेस्ट है डांस जगत में सबकी मां, गीता मां। वो जिनकी मर्जी के बिना कोई एक ठुमका भी नहीं लगा सकता, मर्जे। पकड़ो दादा, पकड़ो। आई लव माँ। स्लो मोशन में पकड़े दादा आज। दादा, क्या बात है दादा, द बेस्ट इज येट टू कम। मर्जी, हाँ, ये हिंदी शो है तो हिंदी में बात कर। तो हमारे तीनों गेस्ट के लिए जोरदार तालियां, आइए। चलिए, कहा अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपको। ध्यान नहीं दे रहे सर। हम बहुत टाइम के बाद मिले हैं। आप लोग की ट्यूनिंग आपस में इतनी कमाल की है, आप लोगों को जेन्युइनली एक दूसरे की कोरियोग्राफी के बारे में क्या लगता है? मुझे गीता की कोरियोग्राफी में खूबसूरती लगती है, व्हाट शी डज। उसका 10% भी एक्टर कर लेना, क्या बात। आई थिंक हम चाहेंगे कि वो 10%, 50%, 90% गीता माँ की किसी गाने पे आप करके बताएं, प्लीज। बैंड बजी ना, मुंह पला, मुझे नहीं लगता इसके बाद हमारी बारी आएगी। नहीं, कैसा, प्लीज। घाघरा ले आइए प्लीज। ए, दिस इज टू मच। बोलो बोलो। अच्छा, मुझे भी क्वेश्चन पूछा। ये आपने बोला? माय वाइफ इज सिटिंग हियर मैन। सर, शी इज लविंग इट। शी वांट्स यू टू वेयर इट, लुक एट हर। She's okay with it. दादा, आप बहुत सीनियर हो, फिर मैं हूं, देन गीतू है। Who has to give us respect? सबसे छोटा। काय का छोट, तू कहाँ आ गया यार? मर्जी। I think मर्जी will do fantastic job. दादा नहीं कर पाएगा। हल्लास। दादा। Finish. एक काम करो। खाना खाया तुम लोगों ने? तू कहाँ, मैं तेरे को तेरी भी बहन बजाता हूँ। दादा, तू क्या कर रहा है? अबे कहाँ पहना हुआ है? अरे ये पहली बार दिल्ली का है ना,
इसको कपड़े भी नहीं पहनाने आते हैं यार। अरे अरे खुल गया, आराम से आराम से आराम से, खुल गया, अरे खुल गया, ओह माय गॉड, कम ऑन मास्टर। मैं क्या बोलता हूँ मर्जी, तुम्हारे जैसा ग्रेसफुल डांसर और इतना ग्रेसफुली तुमने किया है, ऐसा लग रहा था कि चलते ही जाए, चलता ही जाए। कहाँ चल के जाओगे मेरे पीछे? मर्जी, आई लव यू, फील लव, नो नॉट एनीमोर, आई पिटी, नॉट आफ्टर ही डिस्ट्रॉयड दिस सॉन्ग। आई एम सॉरी अबाउट दिस सॉन्ग। दादा का गाना का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो करने का चाहिए। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ लो बोल लो। मर्जी सर के लिए सिंपल वाला इरादा बोलो। पके पके पेड़ पेड़ पर पेड़ नहीं पेड़ 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 हाँ पेड़ पेड़ हाँ। पेड़ पर पके पेड़ पर पका पका पपीता। अब वो पक गया। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ पे पका पपीता, पका पपीता पका पेड़, पका पपीता पका पेड़। अच्छा दादा, या तो पपीता पकड़ू या मैं पेड़ पकड़ू, दोनों एक साथ नहीं पकड़ पाएगा मैं। इस एपिसोड में इसको लेना ही नहीं था दादा। अरे मर्जी, जरूरत क्या और थी? बोल लो। ओ सॉरी, टॉक टॉक प्लीज। अच्छा चलिए, हो गया आप लोग का। ओके ओके, साइलेंस। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग तीनों शोज जज करते हैं और ऐसा कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए तो क्या करते हैं? ये मार खाता है। प्लीज स्टार्ट एंड कंटिन्यू। कान के नीचे खाता है और कुछ नहीं। कान किसके नीचे खाता है? दादा इसको देव ना, ये बिचारा कब से फुटेज की बात देख रहा है। चल भाई। ओ मेरा आ गया क्या? सॉरी। ओके ओके, लुक में आया है पूरा। अरे थैंक यू। आप किस लिए आए आप? सर ये कॉस्ट्यूम में ना कोई और फिट नहीं हो रहा था, इसलिए आपको तो बोला इसको पहना दो और बिठा दो उधर। नहीं मेरे को लगा एक और कुर्सी है। आप ऐसा करो कुर्सी दिखोगे। ये देखो, परफेक्ट। ये बैठ बैठ बैठ, दिखाते ना पब्लिक को, दिखना चाहिए ना कैसा लगता है। ये देखो, वेरी नाइस। कुछ नहीं बोल रहे हो? आ गया। मालूम है, मालूम है। ये हमको भी मालूम है क्यों आया, हमको चुप कराने के लिए आ गया। ये होता है ये। मैं आपको बताऊं मर्जी सर, ये इतनी तालियां पता है क्यों बज रही हैं? क्योंकि ये वेट करने के प्ले कब शुरू होगा, है ना? मेरे कठपुतली। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली दिस इज वन शो जहाँ पे एक से नहीं संभले तो दूसरा आ जाता है। मतलब आप लोग तीनों वहां पधारिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई वांट द लास्ट वन। दादा बड़े दिनों के बाद आओ। सॉरी। इससे पहले कृष्णा मुझे फिर से उठा के ले जाए, मैं बता दूं आज का प्ले है हम नाच कर चुके सनम, जोरदार तालियां।
खड़े होके ताली मारी। डांस के तीन सुपरस्टार्स और भगवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं यहाँ पर डांस सीखने के लिए आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना अच्छा डांस करने के बाद ये क्या बोल रहा है ना? तो सोचना बंद करो, ये कॉमेडी शो है, एंजॉय करो यार। खैर, मैंने बताया मैं समीर हूँ और आज यहाँ पे डांस सीखने आया। मेरे गुरुजी जो हैं बहुत ही बड़े नृत्यकार हैं। गुरुजी, गुरुजी कमाल है गुरुजी। गुरुजी क्या किया आपने? गुरुजी क्या किया मैंने? अरे आपने अभी कमाल का डांस किया। ओह हाँ, वो मुझे ना जुकाम के दौरे पड़ते हैं। गुरुजी जुकाम का दौरा नहीं, दिल का दौरा होता है। नहीं नहीं, वो तो तुमको पता है, मुझको पता है, जुकाम को थोड़ी पता है। तो तू क्या चाहता है कि मेरे को दिल का दौरा पड़े और मैं मर जाऊं? भागा लोगे आप, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कभी चाहूंगा आप मर जाए? अरे मैं तो चाहूंगा आप एक दिन पहाड़ी के ऊपर जाएं और वहां से गिरें और लोग बोलें कि देखो ये आदमी कितनी ऊंचाई पे जाके मरा है। ये होता है गुरु। तू मेरे साथ बहुत फ्रैंक हो रहा है, तू है कौन? गुरुजी मैं एक्चुअली समीर हूँ। मैंने आपको फोन किया था कि मुझे आपसे नृत्य सीखना है, मुझे प्लीज अपना शागिर्द बना दीजिए। सिखा तो दूंगा पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। गुरुजी मैं सीखने आया हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब पहले ऐसे ही बोलते हैं, जब सीख जाते हैं फिर कहते हैं गुरुजी डबल पैसे वापस करो, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। आपने इससे पहले कभी किसी को डांस वांस सिखाया? सिखाया है हा? रेडियो पे जितने भी डांस शो आते हैं उन सबको मैंने सिखाया। क्या बकवास कर रहे हैं, रेडियो पे तो कुछ दिखाई नहीं देता। ओ तभी मैं कहूँ मेरा टैलेंट खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा। ऐसा बताइए कुछ आपने जिसको खुल के सिखाया हो। हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें दो गोलियां देता हूँ। इसको रख लो, ये। मैं पहले जंगल में सिखाता था। एक बार मैं मोर को सिखा रहा था, सारे मोर आ गए, कहते वंस मोर वंस मोर। एक मिनट गुरुजी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो ये हाजमे की ये खा लो, जरूरत पड़ेगी। अभी आगे सुन आगे। हाँ क्या है आगे? माइकल जैक्सन। हाँ है, अभी सुन। हाँ? माइकल जैक्सन के अभी तक फोन आते, रात को फोन आया गुरुजी आजो, गुरुजी आजो, मुझे सिखा दो। ये जो आपने बकवास किए ना, मैं सच में मेरा मन कर रहा है मैं अभी कभी मर जाऊं। ये जहर किए। गुरुजी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने ऐसे जमीन पे लिटाया हो और लोहे के जूते पहनकर ऊपर से आपके पेट पे जंप मारा, ऐसा कभी हुआ? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करें, क्या बकवास कर रही थी। चल बेटा आ, मैं तेरे को सिखाता हूं। अब आ जा। ओवर ओवर। देखो गुरुओं के कोई असूल होते हैं जी, जो तुम्हें आता है ना पहले वो सब भूल जाओ। अच्छा, जो मुझे आता है, हाँ ठीक है, सब मैंने माइंड से इरेज कर दिया। हाँ मैं तेरे को सिखाता हूं जो मेरा फेवरेट है। एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है, ये देखिए। ये होता ऐसा, ये मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैंने तुम्हें कहा सब कुछ भूल जा, फिर तुम्हें आता है वो डांस। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं तेरे को डांस सिखाया वो भूल गया भी हूँ।
अरे जो आपने सिखाया था ये देखिए ऐसे तो यही बस हाँ। क्या तो अब तू मेरा शिष्य है। माफ करना बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, अंधेरे में मुझे बहुत कम दिखाई देता। तेरे दद्दा के अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। माँ ये क्या कह रही हो? मेहमान आए हैं, चाय पानी पूछो। अरे मेहमान बड़े दूर से आए होंगे, थक गए होंगे बेटा, थोड़ा सा ये इतना हैवी हैवी लेके क्यों घूमता है? हल्का हो जा, थोड़ा सा हल्का हो जा बेटा, हल्का हो जा। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे क्या कर रहे हो? अरे बेटा निकालो, हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, थक गया होगा बेटा, तू लेट जा। हाँ माँ तू भी अंदर जाके लेट जा, जा। बेटा जाने से पहले गले लग ले, उम्र हो गई है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। माँ तुम्हें एक अभी कितनी उम्र है? कुछ भी नहीं है। मैं तेरी बात कर रही हूँ। मैं तो योगा करके टनाटन हूँ, रोज सुबह योगा करती हूँ, बताती हूँ देखो। अरे मेरी माँ को लेके जाओ यार, माँ को अंदर ले जाओ। आप अंदर आओ, मैं आपके कमरे का इंतजाम कर। नंदनी, नंदनी। ओ, ओ, ओ। ये कौन है? ये मेरी बीवी है। शर्म नहीं आती? ऐसा कौवे जैसा बुड्ढा और इतनी खूबसूरत बीवी रखी हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरे पति को बुढ़ा, खुसड़, सड़े हुए भिंडी के टिंडोरे जैसा बुलाया तो। ये तो मुझे सपोर्ट कर रही कि उसको आईडिया दे रहे मेरी बेइज्जती की। तेरे को मैंने कितनी बार बोला, जब भी कोई घर पे मर्द आए कमरे से बाहर मत आया कर, क्यों आई है? दवाई खिलाने लो, खाओ। अरे सविता बहन कौन सा दवाई खाते कुतरे? दरअसल इनको जवानी में बॉक्सर बनने का बहुत शौक चढ़ा था। अच्छा। लेकिन इनके पहले मैच में उनके सामने वाले ने ऐसा जोर का मुक्का मारा कि इनका दिमाग हिल गया। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े डांस टीचर बन गए हैं। आप ये दवाई खा लेना, जय श्री कृष्ण। देखिए एक मिनट गुरुजी, एक मिनट आप मेरी एक मिनट पहले मेरी एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ गुरुजी। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं सब समझ गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं सीखने वाला। जाओ ना, आठ बज गए। आठ बज गए का क्या मतलब है? आठ बज गए नहीं। देखिए गुरुजी, देखिए देखिए गुरुजी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। ऐसा मत करिए गुरुजी, देखिए। नंदनी, नंदनी। She's very good. नंदनी,
ये बेटी पैदा की बिल्ली पैदा की आपने? पिताजी बुढ़ा नहीं बुढ़ा। बेटी इनका खट्टा नहीं बुढ़ा, बाप का हुए जैसा। मैं तो कहता हूँ मिलके काला खट्टा की दुकान खोल दो आप लोग। मुझे समझ में बेइज्जती कर रहे हो? जब कर लो अकेले जो करना है, मुक्का मारा, फ्रेंडशिप मुबारक हो जाते। नंदिनी एक बात कहूँ, तुम्हारी जो चोटी है ना बहुत हाँ? कमाल की लग रही, एकदम लंबी, एकदम हॉट हॉट। अरे कुछ नहीं, वो तो पैसे खत्म हो गए थे ना इसलिए कटवाई नहीं, ऐसी रखी हुई है। नंदिनी मुझे लगता है तुम स्टार्ट हो गई हो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चोटी से धुआं निकल रहा है। ऐसे कैसे? अबे चोटी जल गई, बंद करो ये, बंद करो। अबे कुछ करो, अबे कौन है ये? ये क्या किया? छोटी का है? अबे ये क्या करती है? देखो अभी डांस क्लास का टाइम हो गया है, जिन लोगों ने शराब पी नहीं है आप चले जाओ। माँ माँ चली गई। बेटी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे काबिल नहीं है। पापा ये अच्छा लड़का है। अच्छा इधर आप। Thank you.
बेटी, अगर तूने इसको मान ही लिया है अपना तो ठीक है, अब हम डांस में ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, डांडिया मुझे आता नहीं। अच्छा। तो गुरु लोग सामने बैठे हैं, यही हमें आके डांडिया सिखाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभी मैं पूरी अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूं। बार का डांस मत रखा करो, ये आदमी रोड पर चला जाता है नाचते नाचते। तुम्हारे पांव इतने खूबसूरत हैं, इसे कभी भी जमीन पर मत रखना। अच्छा। क्या हुआ? इतने भी खूबसूरत नहीं है कि मेरे मुंह पे रख दो तुम। अच्छा समीर, एक चुनो। ये। तुम क्या किसी तांत्रिक या जादूगर की बेटी है क्या, लेके घूमती रहती हो तुम? अरे कम से कम एक हाथ में शक्कर रखती, हम इसका शिकंजी बनाते। अरे मैंने सोचा इसमें चार मिर्ची मिलाकर तुम्हारे मुंह में लटका दूंगी ताकि तुम्हें नजर ना लगे, तुम इतने क्यूट जो हो। अच्छा ये बताओ ना, चांदनी रात है लेकिन चांद तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। फिकर मत करो,
मैं तुम्हारे लिए चांद भी बुलवाता हूँ। सच? क्या कर रहा है? शर्म आ रही थी इसीलिए तो मैं छत पर लेकर आई इसको। आपकी उम्र क्या है? अब सोचे 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 धोबी, तेरे को शर्म आना चाहिए था, बीच में क्यों आ गई डिस्टर्ब करने के लिए? दादी का फिर भी ठीक है, माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ? एक मिनट, ये बहुत गलत हो रहा है इस घर के अंदर। एक मिनट, तुम लोग मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। नहीं हो सकता, मैं लड़की के साथ रोमांस कर रहा हूँ, अचार की बोतलें रखी हुई है तुमने यहाँ, इसलिए मुझे एक बात बताओ, ये कोई रोमांस करने की जगह? ये देखिए पापड़ मिर्चियाँ, इसमें रोमांस होता है? बात करते हैं। बेटी, हम इज्जतदार लोग हैं। देखो, मुझे अपने खानदान पे यही उम्मीद थी, लेकिन आप तो सेलिब्रिटी, आप इनके चक्कर में क्यों फंस गए? दादा इनको बुला लीजिए। और तुम सब जाओ अंदर। हमारा एक रिश्ता है गुरु शिष्य का, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। hey! तू मुझे सबसे प्यारा, मुझे तू ही है। हाँ, प्यार कर ले। इधर आ, इधर आ, अभी मेरा डायलॉग बाकी। आज के बाद अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया तो मैं तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दूंगा। दफा हो जा मेरे घर से, निकल जा। ये समझते नहीं मत। दिखता नहीं तेरे को, आंखें फूट गई है तेरी। उसको बोल रहे तेरी आंखें फूट गई है क्या? उसको बोल रहे थे। सीरियस सीरियस, चुप रे। Thank you.
तो इस तरह नंदिनी के बाप ने नंदिनी और समीर को अलग कर दिया। नंदिनी की शादी अजय से करवा दी। शादी में तो हमें बुलाया नहीं, पर सुहागरात की सेटिंग हमने कर ली। सुहागरात है, घूंघट उठा रहा हूँ। बस कीजिए गाना, मैंने घूंघट खुद ही उठा लिया। ये बताओ, कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं था? नहीं। झूठ बर्दाश्त होता, मुझे सच बताओ। नहीं, ठीक है, दो थे। इधर आओ। मैंने कहा ना, झूठ बर्दाश्त नहीं, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। कॉलेज में तो दो ही थे, तेरा कॉलेज के बाहर थे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये बताइए ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या हुआ? दरअसल मेरी जिंदगी में सपना के अलावे और कोई नहीं था। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम सपना था ना? खा गई ना धोखा। क्या हुआ? डायलॉग भूल गया। खा गई ना धोखा। दरअसल सपना एक लड़के का नाम। अरे कोई बात नहीं, बताइए बताइए, मैं बहुत समझदार हूँ। सपना, म्यूजिक बजाओ। सपना एक लड़के का नाम है। क्या? जैसे हम कहते कि रात को मैंने सपना देखा, हम थोड़ी कहते कि सपना देखी। वाह वाह। मैं अपने लाइफ के कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ। बताइए। मुझे पकड़ के रखना, मैं हिलता रहता हूँ बस। जी। सबसे बड़ा सीक्रेट मेरे लाइफ का, मेरे नाभि के अंदर एक मस्सा है। क्या? और सीक्रेट नंबर टू है, रुक जा, तेरी एंट्री नहीं है। एक यार, मेरा सर दुखने लगा। सुहागरात में इतनी बातें करते हैं क्या? अरे ये कौन है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो बोलने के बाद चिल्ला रही हो। दरअसल ये मेरे मासा जी है, दागा और तेजा। दाजा और तेजा, यार ठीक से बोलो ना। हाँ वही दाजा नहीं तेजा। आज आप यहाँ पे क्या करने आए मासा जी? ये सभी मैंने किया, फूल लगाते लगाते बहुत नींद आ गई, इसलिए यहाँ सो गया मैं। लेट मी टेल यू वन मोर सेकंड, यहाँ से दफा हो जाइए मासा जी प्लीज। आपके साथ रहूंगी तो बहुत पतली हो जाऊंगी, वॉक बहुत करते हैं। सीक्रेट बहुत हो गए। एक लास्ट सीक्रेट बचा है मेरा, प्लीज बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। दरअसल ये सीक्रेट जो है काफी सीरियस सीक्रेट है। तुम डर तो नहीं जाओगी? कहाँ चली गई? यही हूँ, सुन रही हूँ। तुम इस तरफ ही रहो, मेरी गर्दन थोड़ी सी। सुन रही हूँ, आप बात कीजिए ना। दरअसल मुझे रात को नींद में सोने की आदत है। अरे तू गेला नहीं का अजून? मामा अजून गेले ना सोलापुरला? बाद में बोलते मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। जाओ अभी बस। अब मैं तुम्हें एक एंटरटेनमेंट के लिए पोएम सुनाने जा रहा हूँ। नंदिनी सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, सुन रही। ए नंदिनी, तू रो रो रो। अच्छा, अरे वाह, क्या पोएम है, क्या पोएम है, क्या पोएम है। मैं भी आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तुम्हारे सीक्रेट बहुत डेंजर होते, सुनाओ। दरअसल मैंने आपसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मैं समीर से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ? फिर मेरा खर्चा क्यों करा बैड के ऊपर इतना? अरे वो तो क्योंकि मुझे लहंगा पसंद था इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम समीर को ढूंढने जाएंगे। समीर इटली में है। ओह नो, तू रो 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 रो। इटली इज वेरी कॉस्टली ब्रो। हम एक काम करते हैं, हम नेपाल जाके समीर को ढूंढते हैं।
नेपाल कैसे जा सकते हैं? समीर इटली में है। हम नेपाल जाके नेपाल वाले समीर को ढूंढेंगे। वो तो ठीक है ना मेरे साथ। अरे ये फिर आ गए। इटली को जाना है ना हमें? इटली जाना है। लेकिन तुम बच्चों लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता ना, तो चलो मैं भी साथ आता हूँ। अच्छा सैड म्यूजिक लगाओ जरा। इंडिया जाके इतना स्टैच्यू गेम खेला के स्टैच्यू बन के रह गया हूं मैं। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है ना? ये है स्टैच्यू ऑफ पॉवर्टी। जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं आज भी नंदनी को मिस करता हूं। वो यहां पर इटली जरूर आएगी, मुझे पता है। मुझे लगता है कि समीर नहीं मिलने वाला। हम चलते हैं यहाँ से। अरे समीर आ भी गया तो मैं डरती नहीं हूँ उससे। समझता क्या आपने आपको? अगर सच में यहाँ पे आ गया तो? अगर सच में आता क्या करोगी तुम? अरे वो आता तो मैं पता क्या करती? क्या? ऐसे ऐसे पेट पे उसकी मैं पंच मारती। आशिक होते है ना वो लातों के भूत होते, बातों से नहीं मानते। हाँ। उसको लात मारना जरूरी है। सही कह रहे हो। अरे ये पुतला कितना मजबूत है ना। अरे धोखा दिया तूने मुझे, धोखा। नहीं समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे से काहे का प्यार करती है तू? इसके साथ घूम रही है तू, इसके साथ? अरे नहीं, ये तो कुली है, कुली कुली। अरे कुली बोल दिया मुझे। ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं, हमारा पैसा पूरा हो गया। अरे मेरी शॉपिंग बैग, एक मिनट। नहीं नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ अजय। जाओ यहाँ से, झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। समीर मुझे पता था तुम मुझे जरूर अपनाओगे। समीर कौन है? मैं जावेद भाई खारी वाला हूँ। चलो चले। अरे चलो यहाँ से। गीता माँ, प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आप इधर आइए। प्लीज मुझे बताइए अब मुझे कौन मिलेगा? आई एम द परफेक्ट मैच फॉर यू। मजी कैसा लगा? पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पे आके आई बिकम एब्सोल्युटली ओके। आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मुझे लगता नहीं है लोगों को पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, एंड आई थिंक इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अगर आप किसी को हंसा सकते हो और दिल से हंसा रहे हो। आई थिंक यू गाइज वर फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम। लोग आमतौर दिल से हंसाते हैं और मुंह से हंसते हैं, हम हर जगह से हंस चुके हैं। ये शो में एंटरटेनमेंट इज देयर, देयर इज म्यूजिक, देयर इज डांस, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव कृष्णा, प्लीज यार गिव हिम अ बिग हैंड। दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल इवनिंग ऑन अ शो। थैंक्स। बट आई मस्ट से वन थिंग, दादा दिल से बोलता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है इस बात की कि किसी ने कृष्णा को थप्पड़ मारा है। आजा। और वो भी क्या कस के मारा दादा। ये था आज का ड्रामेदार और धमाकेदार एपिसोड। मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे संडे रात 8 बजे ओनली ऑन द ड्रामा कंपनी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।